अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप ई स्पोर्ट्स टैग्स लोगो डिज़ाइन करें, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के ज़रिए। वैसे तो आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है, तो मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद जो है न्यू में जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद यह आप साइज देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, 3000x3000 रेजोल्यूशन हमारा 300 रहेगा। इसके बाद जो है एडवांस सेटिंग में आप जो है यहाँ इसका कलर प्रोफाइल जो है वो sRGB कर दें, ठीक है। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके सारी सेटिंग्स देख लें। मैं क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद जो है मैं यहाँ हमारा जो कैनवस है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ जाऊँगा सॉलिड कलर में, यहाँ हम ग्रे कर देते हैं, ठीक है। और मैं ओके करूंगा। ओके करने के साथ मैं टी प्रेस करूंगा तो हमारे पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी ले सकते हो। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये फॉन्ट आ जाएगा, ठीक है। ये फॉन्ट आप जो है देख लो वीडियो को पॉज करके, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर लेना, ठीक। अब मैं इस यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉस GFX। तो ये बात आप याद रखें कि जब भी आप ई स्पोर्ट्स टैक्स लोगो डिज़ाइन करें तो उसमें स्पेस ना दें, ठीक है। अगर आपका जो है आपका नाम लंबा है बड़ा है तो आप जो है उसको नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपका नाम अगर टोटल गेमिंग है या आपके चैनल का नाम एंजल गेमिंग है तो आप जो है इस तरीके से ऊपर नाम लिख के नीचे गेमिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ क्लिक करूँगा, कंट्रोल होल्ड करने के साथ जो है मैं यहाँ इधर क्लिक करूँगा, उसके बाद जो है मैं इसको सेंटर कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करने के साथ जो है इसके ऊपर पहले ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसका स्ट्रोक बढ़ा दूंगा, ठीक है। और इसका स्ट्रोक आप जो है 50 कर दें, ठीक है। आप बाकी ये सेटिंग भी देख सकते हैं, वरना आप अपनी मर्जी से भी इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। मैं ओके कर लेता हूँ। और अब मैं टी प्रेस करने के साथ इसको जो है कंट्रोल ए करूँगा, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा वर्क टैक्स में और यहाँ जो है मैं इसको कर दूँगा आर्क लोअर, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं इसको कर दूंगा -10, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ ओके। फिर जो है मैं नीचे इधर न्यू एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ और मैं पी प्रेस करूंगा तो मेरे पास पेन टूल आ जाएगा। इसके बाद जो है मैं इसका जो है यहाँ शेप बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इतना बनाने के बाद जो है शिफ्ट होल्ड करके रखूंगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ रखूंगा तो हमारी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा, फिल पाथ करूंगा, फिल पाथ में कलर में जाऊंगा और उसको कर दूंगा ब्लैक। ओके ओके करने के साथ मैं ओके करूंगा और ये हमारा जो है राइट क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें जो है इसको जो है ऊपर करना है, ठीक है, ताकि ये जो है राउंड शेप में आए। तो उससे पहले मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ जो है मैं गाइडलाइन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेंटर आ जाएगी गाइडलाइन इस तरीके से। फिर जो है मैं पेन टूल से यहाँ क्लिक करूँगा सेंटर में और इसको जो है ऑल्ट होल्ड करने के साथ इसको ऊपर कर दूंगा ऐसे, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। इसके बाद मैं गाइडलाइन को जो है बंद कर देता हूँ। अब मैं वापस से जो है पेन टूल के ऊपर यहाँ फिल पाथ में जाऊँगा और इसको ओके कर दूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा हमारा और इस तरीके से शेप भी बन जाएगा, ठीक है। अब जो है मैं शेप वाली लेयर को कंट्रोल जे करूँगा, फिर जो है मैं इसको जो है नीचे वाली लेयर को कंट्रोल टी करूँगा और उसको जो है मैं छोटा कर दूंगा ऐसे, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो इसका जो है कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। इसके बाद मैं एक और एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, एम्प्टी लेयर, और यहाँ जो है मैं पेन टूल लेने के साथ जो है मैं इसको जो है जहाँ हमारी खाली जगह है वहाँ फिल कर दूंगा, वरना आप अगर पेन टूल भी नहीं लेना चाहते तो आप एल प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये पॉलीगॉन लासो टूल आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इससे काम करेंगे तो इसमें आपने क्या करना होगा, फिर ये जो हमारा ये कलर है ब्लैक ये आएगा, एक्सप्रेस करेंगे तो जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो ये हमारा कलर फिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, मैं जो हूँ इस तरफ नीचे एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा एक और मैं जो हूँ पेन टूल ले लेता हूँ
और अब जो है मैं यहाँ पर भी एक शेप बना दूंगा। लेकिन आप ये हमेशा याद रखें, इसकी जो लाइन आ रही है हमें सेम इसी डायरेक्शन में इसको भी बनाना होगा। राइट क्लिक करने के साथ मैं यहाँ फिल पाथ करूंगा और इसको कर दूंगा मैं यहाँ वाइट। अब मैं करूंगा ओके। ये अब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारी जो लेयर है वो नीचे की तरफ है। अब ये हमेशा याद रखें, आप इसको ऊपर करेंगे तो हमारी जो है ये लेयर शो होने लगेगी। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जे करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, कंट्रोल टी करूंगा और इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा और शिफ्ट होल्ड करने के साथ इसको इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे आ जाएगी। अब जो है मैं इसको भी यहां से थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं। अब मैं यहां जो है कंट्रोल होल्ड करने के साथ ऐसे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा तो ये रिवर्स सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे आप यहां से भी रिवर्स जो है इनवर्स कर सकते हो। ठीक है, मैं ई प्रेस करूंगा तो इरेजर टूल आ जाएगा और मैं यहां से इसको रिमूव कर दूंगा। कंट्रोल डी। ठीक है, तो इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक और एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूं। अच्छा, इन दोनों लेयर को मैं ऐसे कंट्रोल होल्ड करने के साथ नीचे कंट्रोल ई करूंगा तो ये दोनों लेयर मर्ज हो जाएंगी। अब मैं पेन टूल से जो है ऊपर की तरफ भी इसी तरीके से लाइंस बना लेता हूं। अब आप बोल रहे होगे कि इसके ऊपर तो आपने स्ट्रोक नहीं दिया। कोई मसला नहीं, आप जो है इसको बाद में भी स्ट्रोक दे सकते हो। पहले तो मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों मर्ज हो गई। राइट क्लिक करने के साथ मैं इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और इसको भी मैं स्ट्रोक दे दूंगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले दिया था, सेम वही रहेगा। ठीक है, बाकी मैं इसको जो है राइट क्लिक करने के साथ क्रिएट लेयर करूंगा और इस वाली लेयर को मैं कर दूंगा नीचे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको जो है सेलेक्ट ऑल करूंगा शिफ्ट होल्ड करने के साथ और कंट्रोल जी कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैं ये जो हमारा टैक्स वाला है इसको मैं पहले डुप्लीकेट बना लेता हूं और राइट क्लिक करने के साथ मैं इसको कर लेता हूं। पहले मैं इसका जो है स्ट्रोक इसको भी मैं कर देता हूं क्रिएट लेयर। ठीक है, और अब मैं इसको करूंगा रीसाइज लेयर टाइप। ठीक, इसको जो है मैं ऐसे लेयर को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट होल्ड करने के साथ ऐसे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के साथ मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा तो ये ग्रुप में चले जाएगा। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के साथ मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करने के साथ इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है कंट्रोल जी करूंगा, राइट क्लिक करने के साथ इसको भी मैं कर लूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब मैं इन दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल टी करूंगा। अब जो है मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा पीछे की तरफ, इसको 8.0, ये आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा बॉक्स में जो है नंबर लिखे हुए, तो मैं 8.0 कर देता हूँ और इसको डबल क्लिक कर लूंगा। अब मैं नीचे की तरफ इधर एक और एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। पेन टूल से जो है मैं इसको शार्प कर लेता हूँ इन लाइनों को। अब ये जो हमारा व्हाइट वाला है इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और यहाँ इसको कर दूंगा क्लिपिंग मास्क। ठीक है, और अब मैं जी प्रेस करूंगा तो हमारे पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। ग्रेडियंट टूल आने के बाद जो है मैं यहाँ से एक ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आप जो है नंबर देख लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं ओके करूंगा और यहाँ जो है हमारा जो है यह खाली खाली रहेगा। ठीक है, अब मैं जो हूँ इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये जो है हमारा ग्रे कलर बनना शुरू हो जाएगा, एक इसका वाइट और ग्रे का ग्रेडियंट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ कंट्रोल होल्ड करने के साथ इसके ऊपर यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ ये हमारा सब सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जो है मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। फिर जो है मैं यहाँ सिलेक्ट में जाऊंगा, यहाँ मॉडिफाई में इसको करूंगा एक्सपेंड, यहाँ हमारा 10 आ जाएगा।
अब मैं इसको ओके करूँगा। आप 10 से ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन मैं 10 रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका टेक्स्ट छोटा है तो आप कम भी रख सकते हो। फिर अब मैं जो हूँ ऑल्ट होल्ड करने के साथ इसको मास्क करूँगा ऐसे, तो ये वाइट इसकी हल्की हल्की सी इनर शेडो बन जाएगी, ठीक है। बाकी अब हम आ जाते हैं नीचे वाले टेक्स्ट की तरफ। तो नीचे वाले टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ जो है मैं इसका कलर पहले वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के साथ मैं यहाँ फॉन्ट जो ले रहा हूँ ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ जो है मैं लिख लेता हूँ डिजाइनर, और इसको कंट्रोल टी करने के साथ थोड़ा छोटा कर लूंगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा ऐसे। इसको भी मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ जो हमारा बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको कंट्रोल होल्ड करने के साथ ऐसे सिलेक्ट करूँगा और इसको अलाइन कर दूँगा। इसको मैं इतना रख लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसका स्ट्रोक बढ़ा दूंगा। अब इसका स्ट्रोक 50 तो नहीं रह सकता, 50 तो नहीं रह सकता, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं इसको 35 कर देता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ नीचे की तरफ यहाँ एक और एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और पेन टूल से इसको भी हम जो है स्ट्रोक से इसका जो है शेप बना लेंगे। तो इसका शेप जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो जैसा आपको सही लगे। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक में ब्लेंडर ऑप्शन में जाऊँगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद जो है मैं यहाँ ग्रेडियंट में जाऊँगा। ग्रेडियंट में जाने के बाद जो है मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रेडियंट बना हुआ है, लेकिन मैं इसको जो है एडिट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ मैं पर्पल कर लेता हूँ इसका कलर, और यहाँ पर जो है मैं इसको कर लेता हूँ, उसको भी मैं थोड़ा सा पर्पल कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नंबर भी देखते रहो, ठीक है। तो इतना मैं इसका जो है रख लेता हूँ, ओके। इस वाले को भी आप देख लो, ठीक है, नंबर्स, ओके ओके। अब मैं जो हूँ इनर शेडो में जाऊँगा। इनर शेडो में जाने के बाद मैं यहाँ पे ये पिंक वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे लाइट कलर लूँगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नंबर देख लें, ओके ओके। के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है फुल कर देता हूँ, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अब ये वाला जो है हमारे पास रहेगा वो रहेगा 5, ठीक है। इसकी ओपेसिटी रहेगी 35, ठीक है। ये लाइनर डॉज है तो आप स्क्रीन करके भी देख सकते हो, नहीं मज़ा आ रहा तो आप जो है इसको लाइनर डॉज कर सकते हो, वरना आप कलर डॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं स्क्रीन कर देता हूँ और स्क्रीन में वापस अगर मुझे कम लग रहा है तो मैं 50 कर देता हूँ, तो ये इतना अच्छा लग रहा है, तो ठीक है मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है मैंने अपना, इनको भी मुझे दोबारा से जो है कंट्रोल जी बनाना पड़ेगा ताकि ग्रुप में आ जाएं। अब राइट क्लिक करने के साथ जो है मैं यहाँ जाऊँगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में, इसके बाद जो है मैं जाऊँगा स्ट्रोक में। स्ट्रोक में जाने के बाद जो हमारे पास ये पिंक कलर हल्का सा आ रहा होगा, पर्पल कलर, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। ये डार्क कलर जो है ये वाला मैं ले लेता हूँ और इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के साथ ये तो 35 है तो 35, तो मैं इसको 25 कर देता हूँ, 25 मेरे हिसाब से सही है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पेन टूल से इसके जो एज हैं वो भी मैं बना लेता हूँ। यहाँ मैं न्यू एम्प्टी लेयर लूँगा और यहाँ मैं इसके एज बना लूँगा। तो ये जो है हमारा टोटली यहाँ तक तो काम हो गया, कंप्लीट हो चुका। अब जो है स्ट्रोक में जाने के बाद मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं करूँगा क्रिएट लेयर, और इसको मैं करूँगा कंट्रोल ई, तो ये हमारा जो है पीछे जो है बैकग्राउंड शेप है वो भी मर्ज हो जाएगा। अब ये जो हमारा ग्रे बैकग्राउंड है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जो है ये जो लाइट वाला नॉर्मल कलर है ये आप कर सकते हो, वरना मैं आपको बोलूँगा इसको डार्क कलर कर दो, ठीक है। डार्क कलर हो गया तो ये और ऑफलाइन वाला जो है वो भी वही हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं। आप यहाँ जो है सॉलिड कलर में जाओ और ये जो ये पिंक वाला कलर है ये सिलेक्ट करो,
और उसके बाद इसको इस तरीके से क्लिप में मास्क कर दो, तो ये आप देख सकते हो उसका कलर चेंज हो गया। वैसा आप ह्यू सैचुरेशन से भी इसका कलर चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। तो मैं इनको जो है कंट्रोल ई करूँगा तो ये मर्ज हो जाएगा। बाकी मैं इसका कलर जो और थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी डार्क कलर इसका कर सकते हो, आप ये कलर करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो है राइट क्लिक करके इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और इसको जो है मैं आउटर ग्लो में जाने के बाद इसका जो कलर ये वाला है पिंक पर्पल ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं 100 कर दूँगा, इसको मैं फुल कर दूँगा 250, ये हमारा 50 रहेगा, ये लेनर डज रहेगा। और बाकी मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के साथ जो है मैं एक और एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाऊँगा और बी प्रेस करूँगा तो हमारे पास ब्रश आ जाएगा। ये आप सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लो यहाँ से, ठीक है। और ये जो आउटलाइन के ऊपर स्ट्रोक पे जो कलर है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड मोड को कर देता हूँ लेनर डॉज, ठीक है। और मैं इसको इतना बड़ा करके थोड़ा सा जो है ग्लो बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब इसकी जो फिल है वो हमें करनी है 50, ठीक है। और जो हमारा जो ओपेसिटी है वो भी कम हो सकती है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा फिल को 50 नहीं तो आप 35 करके देख सकते हो, मेरे हिसाब से इतना ठीक है। अब ये जो हमारा है इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करने के साथ कंट्रोल जे करूँगा, कंट्रोल ई करूँगा तो हमारा पूरा का पूरा लोगो मर्ज हो जाएगा। इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल टी करूँगा और उसको बड़ा कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ में जाऊँगा, यहाँ पर जाने के बाद इसको कर दूँगा ओवरले। ओवरले नहीं सही लगे तो आप इसको सॉफ्ट लाइन भी कर सकते हो, मैं ओवरले करूँगा। ओवरले करने के साथ जो है मैं फिल्म में जाऊँगा, फिल्म में जाने के बाद मैं इसको कर दूँगा 50, ठीक है। तो हमारा तकरीबन लोगो जो है वो कंप्लीट हो चुका। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के लिए मैं यहाँ और यहाँ क्लिक करूँगा कंट्रोल जी और इसको मैं पहले इस तरीके से सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर आ गया हमारा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो मैंने ये GFX पैक जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जिस वीडियो के, आप वहाँ पर जाके उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लेना तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से मैं पार्टिकल्स ले रहा हूँ। ये वही GFX पैक है जो मैंने अपने वीडियो में दिया है, अपने चैनल के ऊपर दिया है, ठीक है, 1K स्पेशल वाली वीडियो में, ठीक है। हो सकता है वो आपको ऊपर आई वाले बटन पर भी मिल जाए, ठीक है। मैं इसको यहाँ डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको ओवरले कर दूँगा, ठीक है। अगर ओवरले नहीं सही लगे तो आप सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब मैं लास्ट में यहाँ मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है, कार्टून इफेक्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, तो इनमें से जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं इनमें से मुझे कोई सा अच्छा लग रहा है तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ इसको करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। आप ओपन भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से लीनियर डॉज और मैं इसको बड़ा कर दूँगा और मैं इसको इस तरीके से शिफ्ट और आर्ट को होल्ड करने से इसको थोड़ा सा चपटा कर दूँगा ऐसे, और उसको फिर से मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका कलर तो ऑरेंज येलो है, तो मैं जो हूँ उसको ह्यू सैचुरेशन में जाके इसको क्लिप पे मास्क करूँगा, ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब मैं इसका जो है कलर चेंज कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से ये जो है बिल्कुल सही लग रहा है और ये हमारा यहाँ तक का जो है ई स्पोर्ट्स टैक्स लोगो वो कंप्लीट हो चुका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।